अभी तक आपने जाना, माता की वचनों में बंधे पांडव ने द्रौपदी से शादी कर ली और कहीं ना कहीं द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन विजय का समाचार हस्तिनापुर पहुंच गया। विदुर अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। भ्राताश्री, हमारा कुरुवंश अब और भी शक्तिशाली हो गया है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। विदुर की बात सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने समझा कि उनके पुत्र दुर्योधन ने स्वयंवर जीत लिया है। इसी से वे अत्यधिक प्रसन्न होकर बोल पड़े, विदुर, आज का दिन बड़ा शुभ है। पांचाल राज की बेटी का स्वागत खूब धूमधाम से होना चाहिए। भ्राताश्री, एक प्रसन्नता की बात और है, हमारे पांडु पुत्र और कुंती जीवित हैं। क्या? धृतराष्ट्र चौंक पड़े, क्या यह सत्य है विदुर? हाँ भ्राताश्री, सत्य है। और यह भी सत्य है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को विजित किया है। वहां पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधिवत विवाह किया है और वे देवी कुंती के साथ पांचाल राज के अतिथि हैं। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, किंतु तत्काल हर्ष का प्रदर्शन करते हुए धृतराष्ट्र बोले, विदुर, यह तो और भी बड़ा शुभ समाचार है। हमारा अहोभाग्य जो हमारे पांडु पुत्र जीवित हैं और अब पांचाल राज की कन्या द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। उन्हें यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। जी भ्राताश्री, विदुर प्रसन्न मन वहाँ से चला गया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के सम्मुख क्रोध और विवशता में मुंह लटकाए आंसू बहा रहा था। मामाश्री, यह तो मेरा घोर अपमान है। निकम्मे पुरोचन ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। जरा धैर्य रखो दुर्योधन, शकुनी ने कहा, मुझे तो अब यह चिंता खाई जा रही है कि युधिष्ठिर के वापस हस्तिनापुर आने से तुम्हारा युवराज पद न छिन जाए। हमें कुछ करना होगा, जो करना है जल्दी कीजिए मामाश्री, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या? दुर्योधन चौंका। भांजे, चौंको मत, तुम इसी समय महाराज धृतराष्ट्र के पास जाओ और उनसे यही बात कहो। कौन सी बात? यही कि अगर युधिष्ठिर को फिर से युवराज पद दिया गया और यह पद तुमसे छीना गया तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तुम्हारी यह धमकी जरूर काम कर जाएगी, शकुनी ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन तत्काल अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और उसने वैसा ही कहा जैसा कि शकुनी ने उसे समझाया था। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्याकुल होकर सहम से गए। किसी ने सत्य ही कहा है कि अपनी संतान के आगे अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सिर भी झुक जाता है। धृतराष्ट्र ने उसे समझाया, ऐसा नहीं कहते पुत्र, कोई तेरा पद नहीं छीनेगा, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, अभी तुम शांत रहो। धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और विदुर के सामने यह समस्या रखी कि एक ही राज्य में दो दो युवराज कैसे रह सकते हैं। दुर्योधन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और युधिष्ठिर पहले से ही युवराज है। अगर उसकी मृत्यु की खबर न आती तो दुर्योधन को कदापि युवराज न घोषित किया जाता। इधर भीष्म काफी देर तक विचार मग्न चुप बैठे रहे। जब उनसे बार बार आग्रह करके पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुत्र, अब यही उचित है कि पांडवों को स्नेहपूर्वक हस्तिनापुर साम्राज्य का आधा भाग दे दिया जाए। इससे कुरुवंश की मान मर्यादा भी बचेगी और प्रजा भी नाराज नहीं होगी तथा दोनों युवराजों की समस्या भी हल हो जाएगी। भीष्म पितामह की सलाह सबको अच्छी लगी, किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपना दूत भेजकर पांचाल देश से पांडवों को बुलवा लिया। विदुर के आश्वासन पर पांचों पांडव और कुंती हस्तिनापुर पहुंचे। उनका बड़े प्रेम से आदर सत्कार किया गया। उचित समय पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दे दिया।
इस अवसर पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा हैं और तुम सभी धर्म का आचरण करने वाले हो। मैंने तुम्हें खांडवप्रस्थ का राज्य इसलिए दिया है कि तुम अपने शौर्य और प्रताप से उस उजाड़ प्रदेश को फिर से बसा लोगे। इससे मेरे बेटों के साथ तुम्हारी शत्रुता होने की संभावना भी नष्ट हो जाएगी। खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के स्नेह भरे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने अपना शीश नवाया और बोला, तातश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम भी नहीं चाहते हैं कि भ्राता दुर्योधन को हमारी ओर से कोई कष्ट पहुँचे। पांडव खांडव वन के बिहड़ क्षेत्र में चले आए। श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ के खंडहरों पर नए नए भवन, नगर और गांव बसाए। भयानक वनों को जलाकर साफ किया गया। नई नई सड़कें बनाई गई। कुछ ही समय में पांडवों ने इंद्रपुरी के समान भव्य और रमणीय नगर बसा लिया। इस नए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। स्वच्छ चौड़ी सड़कें, फलदार वृक्ष, सुंदर उद्यान नगर की शोभा बढ़ाने लगे। इस नगर की चर्चा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े सेठ, साहूकार, कारीगर और बुद्धिजीवी विद्वान यहाँ आकर रहने लगे। धृतराष्ट्र ने सोचा था कि पांडव जीवन भर खांडव वन को साफ करने में ही लगे रहेंगे और वहीं मर खप जाएंगे। उनके पुत्र दुर्योधन को उनकी ओर से कोई भय नहीं रहेगा, परंतु उनकी सारी सोच को पांडवों ने अपने अटूट परिश्रम से धूल में मिला दिया। पांडवों को यहाँ तक पहुँचने में 13 वर्ष लगे।